तो रश, क्योंकि आज शबे जुमा था तो रश काफ़ी ज़्यादा था, उसकी वजह से हम लोग अभी थोड़ा हमने वेट किया ताकि रश टूट ले। किधर जाना है? इसने मुंह पे चोट भी लगवा ली, कह रहा है बाहर चलें। तो बस अभी इंशाल्लाह आधे पौने घंटे तक हम लोग निकल रहे हैं और इंशाल्लाह इतराफ़ की ज़्यादात करेंगे, साथ साथ रहिए, देखते रहिए। तो अभी बस सारे तैयार हो रहे हैं और आपको ये दिखाना चाहते हैं कि हमारी टीम के पास अब वॉकी टॉकीज़ हैं। यहाँ से मैं ग्रुप के स्टार्ट में होगा एक बंदा और एक बंदा एंड पे होगा। हेलो हेलो, काफ़ी मल किधर हैं? कम इन, कम इन। फिर से बोले ज़रा। तो ये देखिए, क्योंकि ग्रुप बड़ा है और रश बहुत ज़्यादा है तो हमने इस तरह इसको मैनेज करना है। और बाय द वे ये देखिए जी, ये मुझे मौला हुसैन के हरम से जरी से तबरुक मिला, एक मोमिन ने उन्हें तोहफा दिया, ये आप देख सकते हैं। चलें जी, लेट्स गो। ये देख सकते हैं आप, माशाल्लाह केबीएम टूर्स के ज़ायरीन इकट्ठे हो रहे हैं, साइन आ गए हैं और अभी बस थोड़ी देर में हम लोग निकलने वाले हैं। जवार आ रहे हैं, ये देखिए माशाल्लाह, ये हमारे प्यारे जवार जिन्होंने मछली पूरी की। मुरव्वत भाई कैसे हैं? ठीक है माशाल्लाह। ये अदील भाई क्या देख रहे हैं? मैच देख रहे हैं? अच्छा, हाँ जी, अरे माशाल्लाह। चलें जी, देखिए जी, ये बस हम लोग अब ग्रुप आना शुरू हो गया, यहाँ पे हम सबको गैदर करेंगे और ये देखिए जी सारा ग्रुप आ रहा है अभी इधर। ये जी, ये लाइटें शाइटें ऑन हो गई हैं हमारी और ये हम लोग जा रहे हैं, सब इकट्ठे हो रहे हैं यहाँ पे। वाह वाह, तेरा खुतबा सुनाना भूले वाह हुसैन, किसको तुम्हें सदा करबला जा। ये जी मकाम लिस्गर पे आ गए हम, ये वो ये वही मकाम है कि जिस मकाम पर आपका इमाम हुसैन ने करबला जनाब अली असगर के लाशें को लेकर कभी आगे बढ़ते थे, कभी पीछे हटते थे और ये अली असगर का बदन जल जाता। तीसरी वजह हम बयान करते हैं कि आपका खड़ा है, जाने क्यों हंस रहा है चादर। अब जी हम ये जा रहे हैं मकामे अली अकबर की तरफ, यहाँ पे एक दायरा भी लगा हुआ है। ये मकामे अली अकबर की तरफ जा रहे हैं हम, हमने देखा है माशाल्लाह अंजुमन लगी हुई थी दायरा और ये बस हम लेके जा रहे हैं। देख सकते हैं रश की हालत के, काफ़ी टाइम लग गया हमें इधर तक पहुँचते हुए, अभी हम आगे जा रहे हैं, अभी आप मकाम आगे जी अभी देख सकते हैं, अभी पीछे भी ट्रैफिक है, ट्रैफिक बस हमें मकामे अली अकबर की तरफ जा रहे हैं, अभी साथ साथ रहिए। ये घर की उदासी है, ये घर की उदासी है, तो फिर कब्र में क्या है। ये जी मकाम इमाम ज़माना की तरफ पहुंच गए हैं, बाबे सिदरा वाले रोड से। आए शाम शाम, आए शाम
पता नहीं है जी, मकाम इमाम साहिब ज़मान है। अभी बस हम यहाँ पे ज़ियारत पढ़े हैं, उसके बाद अंदर जाएंगे, नमाज़ पढ़ेंगे, फिर अगले मकाम पे। चलो बस यहाँ पे अभी, क्योंकि हम मकाम साहिब ज़बान में खड़े हैं तो ज़ायरीन के लिए अपने ग्रुप मेंबर्स के लिए सबील ले रहे हैं हम। फ्लश जो होता है यहाँ पे बर्फ़ वाला, तो अभी बस ज़ायरीन जो है वो आ रहे हैं, ज़ियारत करके साथ उनको स्लश देंगे ताकि थोड़े फ्रेश हो जाए। शाह जी कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? बहुत गर्मी है, रात को भी बहुत गर्मी है जी। वो तो गर्मी है, तो ये जो आपने ये मफलर के साथ क्या किया आपने? ये मैंने भिगोया हुआ भैया। अच्छा, ये देखें माशाल्लाह, ये शाह जी ने देखें बड़ा वीआईपी इंतजाम किया है इनका, एसी बन गया होगा आपका तो। एसी चले, अभी सबील आ रही है, सबील करें इंशाल्लाह और एसी हो जाएगा। ये देखिए जी, ये संगत आ गई है, सबील आ गई है ये जी। अभी हम जो KBM टूर्स का ग्रुप है वो अभी हम मकाम फरात पे हैं। तो मेरे आका हुसैन कहते हैं कि अब्बास मैं तुम्हें कैसे इजाजत दे दूं, तुम तो मेरे लश्कर के अलमबरदार हो। ये देखिए जी, मेरे आका अब्बास तुम अपने हाथ अपने से तो मेरे चेहरे का दीदार करो। कहा कि आका एक आंख में तीर लगा है और दूसरी आंख में खून भरा है, मौला हुसैन के चेहरे का दीदार किया। इमाम हुसैन कहते हैं है अब्बास तुमने ख्वाहिश की, तेरे बालू न कटे चाहे मशकी दे, ये मगर हो न सका तेरे बाजू है जुदा, हम पे ये तशे। ये ग्रुप यहाँ पे गैदर हो रहा है और हम आगे चलते हैं इसका मकाम कफ़ी अब्बास पे। मकाम नरे फरात हो गया और अभी इधर से हम जाएंगे तो हम यहाँ से बाबे बगदाद मौला अब्बास वाली साइड से अंदर राइट साइड से एंटर होंगे मौला अब्बास के हरम के पीछे से, और वहाँ से फिर पारिस बाकी ज़्यादात करेंगे जी। ये पिज्जे की सबील हो रही है, अभी कोक है जी, ये ले लें। नहीं कोक उधर है लेडीज़ के पास, उनके पास। ये देखिए आ रहे हैं अभी हम लोग, खैमा गाह जा रहे हैं क्योंकि कफ़ी अब्बास अभी बंद है, तो आज के लिए हम वापस अब जा रहे हैं बाबे सिदरा से, और हम खैमागा की ज़ियारत पे आज की एतराफ़ की ज़ियारत को इख्तिताम करेंगे। ये देखिए खुदा समझ के मारा, किसने रकाब थामी, किसने दिया सहारा, गुरारा किसने रकाब थामी। मैं हुसैन أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين حاضرین گرامی حضرات आप जिस मुकाम पर इस वक्त मौजूद हैं उस मुकाम को मुकाम हजरत जाफर। ये कंस्ट्रक्शन हो रही है, अंदर अंदर से हम लोग आ रहे हैं मकाम जाफर जिन के बाद, यहाँ से सारा आप देख सकते हैं टूटा हुआ है, लेकिन ये अंदर के रास्ते हमें थोड़े से पता है तो उसकी वजह से अंदर अंदर से हम जा रहे हैं ताकि ज़्यादा रश जो है वो ना मिले हमें। ये मोशन बाइक के सारे आइडिया हैं जिन्हें की गलियां देख रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह।
हुसैन या हुसैन में वक्त अगर साहिब ईमान। देखिए जी अभी हम तकरीबन पहुंच गए हैं बिल्कुल तिल्ला ज़ैनबिया के पास से निकल रहे हैं हम। वाह 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 ये देखिए जी ये हम सामने बिल्कुल निकल आए हैं। ये जी हम अब जा रहे हैं तिल्ला ज़ैनबिया पे। वो मुकाम है मुकाम तिल्ला ज़ैनबिया। ये वही मुकाम है कि जिस मुकाम से बीबी ज़ैनब अपने भाई हुसैन के गले को कटता हुआ देख रही थी, इसी मुकाम पर ज़ैनब खड़ी हुई थी। और जो कत्लगाह इमाम हुसैन है वो 70 कदम का फासला है। जब बीबी ज़ैनब कैद शाम से छूट कर मदीने पहुंची है ना, तो सबसे पहले इसको भी बस हम लोग जा रहे हैं अभी मुकाम तिल्ला ज़ैनबिया। उसके बाद यहीं से हमने उस तरफ जाना है खैमागाह की तरफ, खैमागाह की ज़ियारत करेंगे और आज की जो हमारी एतराफ़ की ज़ियारत है ख़त्म, क्योंकि कल सुबह 10 बजे अभी 4 बजने वाले हैं और 10 बजे हमें जनाबे हो और जनाबे ऑन और मुसैब के लिए निकलना है। अगले 2 दिन हमारे काफ़ी बिजी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इतराफ़ की ज़ियारत मुकम्मल हो गई है। अभी हम लोग होटल पहुँचे हैं, खैमागाह के बिल्कुल पीछे था। तो ये ब्लॉग यहाँ पे एंड करते हैं। तकरीबन 5-6 घंटे मौलाना जूस पी रहे हैं, रेस्ट कर रहे हैं। तो अभी 5 घंटों के बाद हमने निकलना है जनाब हुर, जनाब ऑन और मुसैब, मौला जनाब मुस्लिम की जोड़ी है उनकी उनके रोज़े पे। तो देखते रहिए इंशाल्लाह अगले ब्लॉग में आपको वो दिखाएंगे। बहुत शुक्रिया, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। खुदा हाफिज़।